किसान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में अज्ञात बदमाश पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। एटीएम में करीब 5 लाख रु से ज्यादा की राशि बताए जा रहे। यहां कोरोना की गाइडलाइन के चलते रात्रिकालीन कर्फ्यू होने के बाद बदमाशों का गाड़ी में आकर और एटीएम उखाड़ कर ले जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। बहादुरपुर कस्बे में रात करीब 3 से 4 बजे के मध्य गाड़ी से आए अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यहां एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन शातिर बदमाश अपने साथ डीवीआर की चोरी कर ले गए। बदमाशों ने शटर का ताला तोड़ा और बदमाशों ने एटीएम का ऊपर का हिस्सा वहीं नाले में पटक दिया। घटना की सूचना पर सुबह प्रशिक्षु आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रेय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। बैंक प्रबंधन यह साफ नहीं कर पाया कि इसमें कितना पैसा था, क्योंकि अंतिम समय में एटीएम ऑफलाइन होने की स्थिति की वजह से रकम का अंदाजा नहीं गया। पुलिस अभी आसपास लगे। आपके क्षेत्र की ताज़ा खबर को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे। रात को बहादुरपुर कस्बा है, सदर थाना के क्षेत्र में, वहाँ पर पीएनबी का एटीएम था। पूरे एटीएम को बदमाशों के द्वारा उठा के और ले जाने की वारदात हुई है। सुबह से हमारी टीम एफएसएल, डीएसटी और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाली टीम, ये सब मौके पे है, स्टडी कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं और प्रथम दृष्टा जो मामला है वो मतलब एटीएम को उठा के और ले जाने वाला है और इसका अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी हम इसमें कोई प्रोग्रेस करेंगे। सीसीटीवी कैमरों में कहीं कोई नज़र आ रहे हैं? हाँ, हल्के स्लाइड फुटेज मिले हैं और उसको डेवलप किया जा रहा है। अभी उसमें जैसे होगा बताया जाएगा सर।